आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए राठौर साहब चैनल को और साथ के साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको न्यू से न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता है। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से वेलकम है आपका आपके अपने चैनल राठौर साहब में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ डायनाबोल के ऊपर पूरी वीडियो, इसके साइड इफ़ेक्ट, इसके यूजेस, इसके बेनिफिट्स सब कुछ जानेंगे आज कि इसको कैसे यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करें जो इसके बेनिफिट्स हों, कैसे यूज़ करें जो इसके साइड इफ़ेक्ट कम हो, कब यूज़ करते हैं। तो आज पूरे इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। तो आइए देख लेते हैं फटाफट पास से। इस ये है आपकी मैक्स ट्रीम फार्मा कंपनी की एक डायनाबॉल। पहले मैं इसका पूरा रिव्यू दिखा दूँ। ये मैंने अपने ख़ास ट्रेनर से मंगवाई है। बहुत गाइस, डायनाबॉल में, सिर्फ डायनाबॉल में बहुत ही कंपनियां होती हैं, बहुत ही ज़्यादा कंपनियां होती हैं, लोकल भी होती हैं, अच्छी भी होती हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ पहले सब कुछ। ये देखिए, ओके गाइस, जैसा कि आपने देख लिया है इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। मेथाडोन्स टैबलेट है 10 mg की है। तो गाइस मैं बता रहा था कंपनी की, जो ये जो है डायनाबॉल, ये मैंने मंगाई है आपकी 1000 रुपये की, जिसमें है 100 टैबलेट, 50-50 टैबलेट के 2 पत्ते हैं इसमें। मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए, ये इस टाइप की छोटी छोटी गोलियाँ हैं, आप देख सकते हैं। एक पत्ते में 50 है और 2 पत्ते में 100। ये 100 का पूरा कोर्स होता है, वो मैं अभी आपको आगे बताऊँगा। मैं बता रहा था आपको कंपनी के बारे में, ये है मैक्स वन कंपनी की, मैक्स एक्सट्रीम फार्मा से। तो डायनाबॉल में गाइस आपको 500 रुपये की भी डायनाबॉल मिलेगी, 400 की भी मिलेगी, 1000 की भी मिलेगी, 2000 की भी मिलेगी। अगर आप डायनाबॉल यूज़ करते हैं तो प्रेफर करूँगा आप जितनी महंगी हो सके, जितनी अच्छी कंपनी की हो सके उतना ही यूज़ करें, अदरवाइज़ डायनाबॉल ना ही यूज़ करें। सिर्फ ये प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर ही यूज़ करते हैं। ओके गाइस, तो अब आते हैं ये डायनाबॉल होता क्या है। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, ये डायनाबॉल एक एनाबॉलिक स्टेरॉयड होता है, ठीक है गाइस। ये सिर्फ डायनाबॉल इतना फेमस है, इतना फेमस स्टेरॉयड है, बॉडी बिल्डिंग में टोटल आपके 32 टाइप के स्टेरॉयड्स होते हैं, जिसमें ये टॉप 10 में आता है। इतना फेमस स्टेरॉयड है और आज की डेट में बहुत ही ज़्यादा यूजेबल स्टेरॉयड्स है ये डायनाबॉल। बहुत ज़्यादा बॉडी बिल्डर इसको यूज़ करते हैं। तो इसके मैं पहले आपको बेनिफिट्स बता दूँ, ये कैसे वर्क करता है बॉडी में। तो जो इसके बेनिफिट्स होते हैं, आपको इसको खाने के बाद आपकी बॉडी में प्रोटीन की सिंथेसिस बढ़ जाएगी, आपकी बॉडी में प्रोटीन एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगी और आपका डाइजेशन बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। ये बहुत फास्ट रिएक्ट करता है, ये इस टाइप का रिएक्ट करेगा ताकि जैसे आप खाना खाते हैं, आपका डाइजेशन इतनी जल्दी इतना अच्छा हो जाएगा आपके खाने को, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा, जिससे आपका वेट बहुत जल्दी गेन हो जाएगा। ओके गाइस, तो ये डाइजेशन बढ़ा देता है आपका और प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन भी बढ़ा देता है। तो ये इसके सिर्फ साइड बेनिफिट्स तो इसके ये हैं। अब आते हैं इसके डोसेज पे, इसको लेते कैसे हैं। गाइस हमेशा ध्यान रखना, डायनाबॉल आपका हमेशा एक साइकिल में ली जाती है। वो साइकिल कैसे ली जाती है मैं आपको बता देता हूँ। आपको पहले हफ्ते सिर्फ एक गोली खानी है, सिर्फ एक गोली पहले हफ्ते, यानी कि 10 mg। ये 10 mg की एक टैबलेट होती है, इसकी लिखा होगा टैबलेट 10 mg। पहले हफ्ते सिर्फ 10 mg खानी है, दूसरे हफ्ते आपको 2 गोली कर देनी है दिन में, यानी कि 20 mg दिन में 2 गोली खानी है दूसरे हफ्ते, तीसरे हफ्ते आपको 3 गोली कर देनी है, यानी कि 30 mg। अगर आपको ज़्यादा बॉडी बिल्डिंग में आपको अपना करियर नहीं बनाना तो 30 mg से ज़्यादा आगे मत बढ़िएगा, 30 mg तक सेफ है, उसके आगे इसके बहुत ही ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होने लगते हैं। तो तीसरे हफ्ते आपको 30 mg करनी है, उसके बाद चौथे हफ्ते फिर आपको 2 कर देनी है और 5वें हफ्ते फिर आपको 1 कर देनी है। तो ऐसे इसकी चलती है आपकी साइकिल। और उसके बाद PCT करना बहुत ज़रूरी है, पोस्ट साइकिल थेरेपी, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। अब आते हैं इसके मेन साइड इफ़ेक्ट्स पे। साइड इफ़ेक्ट्स गाइस इसके इतने हैं कि मैं आपको गिनवा भी नहीं सकता। पहला साइड इफ़ेक्ट, हाई ब्लड प्रेशर। इसको खाने से आपका ब्लड प्रेशर बहुत जल्दी हाई होने लगेगा।
दूसरा साइड इफ़ेक्ट लीवर, आपके लीवर पे बहुत ही ज़्यादा असर करती है, बहुत ही ज़्यादा आपके लीवर को नुकसान पहुँचाती है ये। तीसरा साइड इफ़ेक्ट किडनी, आपकी किडनी को भी बहुत ही ज़्यादा हार्म करती है, बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है। चौथा है आपका पेट फूल जाएगा, आप अगर जितना आप मेहनत करेंगे बॉडी वो जिम में उतना ठीक है, नहीं तो आपका पेट निकलेगा ही निकलेगा, आपका पेट फूल जाएगा। पांचवी प्रॉब्लम गाइनो, गाइनो मीन्स टू से आपने कई देखा होगा कई पर्संस को कि क्या कहते हैं उनके चेस्ट एकदम बूब्स टाइप हो जाते हैं, बहुत सी प्रॉब्लम होती है, तो वो सिर्फ ये डायनाबोल से होती है गाइनो की प्रॉब्लम। ठीक है गाइस, और भी बहुत साइड इफ़ेक्ट है, पिंपल्स की प्रॉब्लम होती है, बैक पे पूरी बैक पे पिंपल्स हो जाते हैं, तो इसके बहुत साइड इफ़ेक्ट हैं। ये वीडियो मैंने सिर्फ इसलिए बनाई है ताकि जो भी यूज़ करता है उसको इसके प्रॉपर बेनिफिट्स, यूजेज, साइड इफ़ेक्ट सब कुछ पता हो। कई बंदे इसको नॉर्मल ऐसे ही यूज़ करते हैं, साइकिल नहीं चलाते, तो इसको यूज़ करना है तो सिर्फ साइकिल में ही करना है, इसकी साइकिल चलती है पूरी जैसे मैंने आपको बताया है। उसके बाद PCT करना बहुत ज़रूरी है, पोस्ट साइकिल थेरेपी वो करना बहुत ज़रूरी है, जो आपके शरीर में टेस्टोस्टेरोन को दोबारा रीजनरेट करता है। बिकॉज आप जब ये डायनाबोल खाते हैं तो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत कम हो जाता है, तो उसको रीजनरेट करना बहुत ज़रूरी है। तो गाइस ऑल ओवर यही था डायनाबोल के बारे में, तो खाने से पहले ज़रूर सोचिएगा, मैं सजेस्ट करूँगा ना ही खाएं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये एक टाइप का स्लो पॉइजन है, धीमा जहर है जो आपकी बॉडी को, बॉडी बिल्डर तो आपको ज़रूर बनाएगा बट इसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, थैंक यू।